बहुत स्वागत है। आप देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आईईडी को ढूंढ कर निष्क्रिय बनाया, बड़ा हादसा टला। सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाया, इसके बाद आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों ने आईईडी का पता लगाकर उसे नष्ट कर एक बड़ा हादसा टाल दिया। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम को अवंतीपुरा पुलिस थाना अंतर्गत पंचगाम में रेलवे लिंक रोड के पास एक आईडी का पता चला था। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने बिना किसी नुकसान के आईडी को नष्ट कर दिया। अवंतीपुरा पुलिस और एक सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित जगह पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। अवंतीपुरा पुलिस सेना की 55 आरआर और 185 बीएन सीआरपीएफ की टीम ने इस अभियान को कामयाब बनाया। इस वजह से एक बड़ी घटना टल गई। इस संबंध में थाना अवंतीपुरा में कानून के संबंधी प्रावधानों के तहत प्राथमिक संख्या 90/2021 की दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी कोविड लहर के बीच पाक ने सीमा पर घुसपैठ तेज की। पिछले साल के 4.5 महीनों की तुलना में इस साल भारत पाकिस्तान सीमाओं पर घुसपैठ बढ़ गई है। पड़ोसी देश आतंकवाद फैलाने के साथ साथ अवैध ड्रग और हथियारों के व्यापार को बढ़ाने के लिए आतंकवादियों और तस्करों को भारतीय क्षेत्र में धकेल रहे हैं। भारत में पंजाब सीमांत पे अधिकतम 23 घुसपैठ हुई। इसके बाद जम्मू 10, राजस्थान 5 और कश्मीर और गुजरात में भी माध्यम से एक एक प्रयास किया गया है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।